हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक 3 लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर ग्रोथ ग्राम, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, उसके बाद केमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफी। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को पढ़ना है बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर ग्रोथ ग्राम, पॉजिटिव ग्राम एंड नेगेटिव ग्राम के बारे में, केमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफी के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, इसके फादर, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, केमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो बैक्टीरिया इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। इनमें हरित लवक पाया जाता है। बैक्टीरिया में केंद्रक अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया में हरित लवक पाया जाता है। बैक्टीरिया का आकार 2 से 10 μ तक होता है। 2 से 10 μ तक होता है बैक्टीरिया का आकार। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है वो सूक्ष्म जीव होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। बैक्टीरिया में जो जनन है वह मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है, और यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनमें हरित लवक पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है, और इनका आकार 2 से 10 μ तक होता है। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है और केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखते हैं यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो बैक्टीरिया वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह पृथ्वी पर मिट्टी में, गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूपरपटी में, और कार्बनिक पदार्थों तथा पौधे एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है वह पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्ल में, गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूपरपटी में, और कार्बनिक पदार्थों तथा पौधे एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाया जाता है। और दोस्तों, यह जो बैक्टीरिया है वह पृथ्वी पर जीवाणु सभी जगह पाया जाता है। जो बैक्टीरिया पृथ्वी पर वह सभी जगह पाया जाता है। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु तथा 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख से अधिक जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं और 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर बैक्टीरिया की संख्या बहुत अधिक है। इसके खोजकर्ता बैक्टीरिया के 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक एंटोनी वान लीउवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वान लीउवेनहॉक ने किया था। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत में सॉरी इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा कि इनके दांत में खुरचन है, और इस खुरचन को उन्होंने सूक्ष्म जीव कहा। दांत में जो खुरचन थी, उस खुरचन को इन्होंने सूक्ष्म जीव कहा। इसका नामकरण दोस्तों इन्होंने खोज किया था बैक्टीरिया के, लेकिन इनका नामकरण इन्होंने नहीं किया था। इनका नामकरण एहरेनबर्ग ने किया था। एहरेनबर्ग बैक्टीरिया खोज एंटोनी वान लीउवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था, और इसका नामकरण 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। और दोस्तों, जो लुई पाश्चर हैं, इन्होंने भी बताया था कि फर्मेंटेशन में जीवाणु का बहुत योगदान होता है। जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जीवाणु का बहुत ही योगदान होता है। और 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन बताया था। कृत्रिम संवर्धन मतलब दोस्तों कहा जाता है आर्टिफिशियल कल्चर। तो 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन बताया था। तो दोस्तों, हमने बैक्टीरिया के बारे में देखा। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सारी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इनका आकार 2 से 10 μ तक होता है।
यह पृथ्वी पर सभी जगह में उपस्थित होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। इसके खोजकर्ता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं, लेकिन इनके नामकरण एहरेनबर्ग ने किया है 1829 ईस्वी में। और लुईस पाश्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन में जीवाणु का बहुत ही योगदान है। और रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं इसके फादर, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो लीवेनहॉक हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन? लुईस पाश्चर। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी तो रॉबर्ट कोच। लीवेनहॉक दोस्तों फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर, और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर तो इनमें ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही ये बता दिया है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोस्तों जो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। और कोशिका द्रव्य माइटोकांड्रिया अंतर द्रव जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। जो दोस्तों ये बैक्टीरिया होता है इनमें माइटोकांड्रिया अंतर द्रव्य जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है इनमें दोस्तों, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। रोम और कशाविका पाया जाता है दोस्तों इनमें, जो पोषण और प्रजनन में सहायता करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप देखते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को उनके शरीर के आधार पर आकार के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है दोस्तों दंडाणु, दूसरा है गोलाणु, और तीसरा है सर्पिलाणु, और चौथा है कौमा। दोस्तों जो दंडाणु है इसमें दंड के जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जो गोलाणु है इसमें गोल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बिंदु टाइप के। और जो सर्पिलाणु हैं इनमें लहरदार दोस्तों सांप के टाइप या लहर के टाइप जो बैक्टीरिया हैं वह पाए जाते हैं। और जो कौमा है दोस्तों, कौमा तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्पविराम, उसके रूप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं, दंडाणु, गोलाणु, सर्पिलाणु और कौमा। तो दंडाणु में दंड के आकार जैसे बैक्टीरिया रहेंगे, गोलाणु में गोले के आकार जैसे बैक्टीरिया रहेंगे, और जो सर्पिलाणु है उसमें सर्प के आकार जैसे लहरदार जैसे बैक्टीरिया रहेंगे, और जो कौमा है उसमें कौमा के टाइप जो बैक्टीरिया होते हैं वो रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप चलते हैं आगे, देखते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं? यह वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से अभिरंजित किए जाने पर, अभिरंजित मतलब अभिरंगित किए जाने पर उस रंग को पकड़ते हैं और नीले रंग या जामुनी रंग के हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइडो ग्लाइकेन की मोटी परत से बनी होती है। दोस्तों देखिएगा बहुत पेप्टाइडो ग्लाइकेन की मोटी परत से बनी होती है, और जो इस रंग को सोख कर सुखा कर बैक्टीरिया का रंग बदल देते हैं। तो
इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। यह वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से, जो क्रिस्टल वायलेट रंग होता है, उस रंग से रंजित किए जाने पर उस रंग को पकड़ लेते हैं और नीले या जामुनी रंग के हो जाते हैं। उस रंग को पकड़ कर नीले या जामुनी रंग के हो जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की मोटी परत से बनी होती है, जो इस रंग को सोख कर बैक्टीरिया के रंग में बदल देती है, जो इस रंग को सोख कर बैक्टीरिया का रंग बदल देती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, उससे थोड़ा सा ये अलग है। यह वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से, इसमें भी दोस्तों क्रिस्टल वायलेट नामक रंग रहेगा, से सने जाने पर उस रंग को नहीं पकड़ते हैं। दोस्तों जो पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो पकड़ लेता था, या निगेटिव बैक्टीरिया इस रंग को नहीं पकड़ेगा और रंग ही नहीं रहते हैं, वह रंग पकड़ कर जामुनी और बैगनी रंग का हो जाता था, लेकिन यह नहीं, रंग ही नहीं रहेगा। ऐसे बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली परत से बनी होती है। दोस्तों इसकी जो कोशिका भित्ति है पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली परत से बनी होती है, और उसकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी परत से बनी होती थी। तो इसमें और उसमें एक अंतर क्या है कि इसमें क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से साने जाने पर रंग नहीं पकड़ता है निगेटिव बैक्टीरिया में, और पॉजिटिव बैक्टीरिया में रंग पकड़ लेता है। निगेटिव बैक्टीरिया रंगहीन ही रहता है, और पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो जो बैगनी या जामुनी रंग का हो जाता है। इस बैक्टीरिया की पेप्टोग्लाइकेन की पतली परत से बनी होती है कोशिका भित्ति, और उसकी पेप्टोग्लाइकेन की मोटी परत से बनी होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया समझ में आया होगा। अब देखते हैं केमोटोग्राफ एंड फोटोऑटोट्रॉफी, तो चलिए देखते हैं केमोटोट्रॉफ। यह ऐसे जीव होते हैं जो अपने वातावरण में, दोस्तों जो केमोटोट्रॉफ है वो ऐसे जीव होते हैं जो अपने वातावरण में इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो केमोटोट्रॉफ है वो इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। यह अणु कार्बनिक और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। दोस्तों जो केमोटोट्रॉफ है वह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकता है। केमोटोट्रॉफ पदनाम फोटोऑटोट्रॉफ के विपरीत है। जो केमोटोट्रॉफ है वह फोटोऑटोट्रॉफ जो है, अभी आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो केमोटोट्रॉफ है वह फोटोऑटोट्रॉफ के विपरीत है। जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं यह रसायन पोषी, स्वयं पोषी या विषम पोषी हो सकता है। जो केमोटोट्रॉफ है यह रसायन पोषी, यहाँ पे देख सकते हैं रसायन पोषी, मात्रा थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, रसायन पोषी, स्वयं पोषी, विषम पोषी हो सकते हैं। तो फिर से समझिएगा ध्यान से दोस्तों, केमोटोट्रॉफ किसे कहते हैं। ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण में इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह अणु कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। जो केमोटोट्रॉफ है यह इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है और कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। केमोटोट्रॉफ जो है वह फोटोऑटोट्रॉफ के ठीक विपरीत होता है, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके रसायन पोषी, स्वयं पोषी या विषम पोषी भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को केमोटोट्रॉफ समझ में आएगा। अब देखते हैं फोटोऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ ऐसे जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा का अकार्बनिक कार्बन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता था, और इसमें कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा और कार्बनिक अकार्बनिक कार्बन का उपयोग करता है। तो देखते हैं इसको, फोटोऑटोट्रॉफ ऐसे जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा और अकार्बनिक कार्बन का उपयोग करते हैं। यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफ, जो यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफ है अपने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणुओं के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दोस्तों यह कैसे अपने अंदर ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणुओं के माध्यम से। जो फोटोऑटोट्रॉफ है वह क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणुओं के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जो केमोऑटोट्रॉफ था वह इलेक्ट्रॉन दाताओं के आक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता था। जबकि प्रोकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफ अपने साइटोप्लाज्म में मौजूद क्लोरोफिल और बैक्टीरियोफिल का उपयोग करते हैं। जबकि दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफ्स है वह अपनी साइटोप्लाज्म में मौजूद क्लोरोफिल और बैक्टीरियोक्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को
फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की संरचना, इसके फादर, इसके खोजकर्ता और बैक्टीरिया के बारे में जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, दोस्तों आप लोगों को दिखा भी देता हूँ सीधे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण सन 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। और लुईस पाश्चर ने बताया था कि फर्मेंटेशन में जीवाणु का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और रॉबर्ट कोच ने इसे सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया था। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।